हे गाइस, ईवीपीएस टेक्नोलॉजी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक स्कूटी के थ्रोटल के बारे में। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक थ्रोटल के बारे में। तो मार्केट से हमने काफी सारे खराब थ्रोटल लेके आए हैं। अब हम इसको बताएंगे कि इसमें क्या क्या कमी है और इसको कैसे हमें ठीक करना है और इसके अंदर क्या क्या चीज होती है, वो सब हम इसको खोल के दिखाएंगे आपको। तो पहले से ही हमने थ्रोटल खोल के रखा हुआ है। तो इसमें एक स्प्रिंग होती है, ठीक है, एक आपका रिवर्स और फॉरवर्ड का बटन होता है, ठीक है, और एक इसमें सेंसर लगा हुआ होता है, ठीक है। तो वो भी अभी दिखाते हैं हम सेंसर कैसा होता है। तो अभी आपके सामने अभी हम थ्रोटल खोल के दिखाएंगे कि इसमें होता क्या वैसे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से यूं करना है, कई बार इस पर स्क्रू लगा हुआ होता है। तो ये हमने खोल दिया। अब यहाँ देख रहे हैं आप, एक ये बटन, इसमें ये फॉरवर्ड और रिवर्स का बटन होता है, ठीक है, और एक ये लीनियर हॉल सेंसर लगा हुआ होता है, ठीक है, जो कि वर्क करता है। ये वर्क कैसे करता है, तो ये आप मैग्नेट की स्ट्रिप देख रहे हैं, ये मैग्नेट की स्ट्रिप होती है, ठीक है। ये नॉर्थ और साउथ पोल होता है इसमें, ठीक है, तो बीच में कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, ठीक है। और इसमें ब्लैक ब्लैक लगा हुआ है। तो कई बार क्या होता है कि पानी जाने की वजह से यहाँ पे है ना कार्बन के पार्टिकल जम जाता है, जबकि जो कि हमारे सेंसर के साथ ढंग से कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो इस वजह से भी थ्रोटल कई बार वर्क नहीं करता और रिक्शा या स्कूटी आपकी वर्क नहीं करती है प्रॉपरली। तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, इसको खोल के हल्का सा रैंक मार्क से इसको हल्का सा साफ करेंगे और फिर दोबारा से इसको फिट कर देंगे, तो आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो हम पहले बताते हैं कि इसको खोलते कैसे हैं। ये हमने ये पोर्शन निकाल दिया। तो आप इस पर हल्का सा स्क्रू ड्राइवर डाल के इसको हल्का सा ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे तो ये खुल गया है, ठीक है। अब इस पर देखिए मैग्नेट की स्ट्रिप लगी हुई है, ये स्प्रिंग लगी हुई है। इसको भी लगाना बताएंगे कि कैसे लगाते हैं। कई बार खोल तो लेते हैं लोग मगर उनसे लगता नहीं है। अब ये देख रहे हैं इसमें ये इसका लीनियर हॉल सेंसर है, इसकी वैल्यू भी हम आपको बता देंगे। इस पर तो मिट्टी भी है वैल्यू, इसकी वैल्यू जो ये वाला है मार्केट में 49E भी अवेलेबल है और जो 71D, ये दोनों आपका लीनियर हॉल सेंसर है, ठीक है। इसमें एक एमीटर होता है, एक बेस होता है, एक कलेक्टर होता है, ठीक है। और इसमें तीन वायर होती है, इनसे कनेक्ट होता है, ठीक है, जो पॉजिटिव नेगेटिव इन दो वायरों पे होती है और एक वायर इसकी आउटपुट होती है। दो वायर इसमें इनपुट की लगती है और एक आउटपुट लगती है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप, ये हल्का सा लीनियर हॉल सेंसर है, इसी की वजह से आपका थ्रोटल चलता है, ठीक है। ये आप लगा देंगे, चेंज कर देंगे, 2 या 3 रुपए की आइटम होती है और आपका 100-150 रुपए का थ्रोटल इसमें वर्क करने लग जाता है, ठीक है। तो इसको इजीली से लगा के इस पर, और उसके बाद इसमें स्प्रिंग लगानी होती है। स्प्रिंग लगाना भी हम बता देते हैं कि जो छोटी वाली साइड है वो यहाँ पे हम फिट करेंगे, ठीक है। ये देखिए साइज, यहाँ पे हम फिट करेंगे। इसके बाद ये जो ये वाली वायर है, ये जो इसका ये वाला पोर्शन है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे जगह बनी हुई है इसको डालने की, ठीक है। इसको यहाँ से इसको इस पर लगा के, एक मिनट, ये लग गया। उसके बाद इसको जैसे ही हम ऐसे घुमाएंगे और इसके बाद अंदर प्रेस कर देंगे तो इसके बाद ये वर्क करने लगता है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा है कि छोटा सा लीनियर हॉल सेंसर जिसकी वजह से आपका थ्रोटल वर्क करता है। अगर ये छोटा सा लीनियर हॉल सेंसर खराब हो जाता है तो आपका थ्रोटल काम करना बंद कर देता है। तो खाली इसको चेंज करने से आप अपना थ्रोटल वर्किंग में ला सकते हैं, ठीक है। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है, हमारे पास भी मिल जाएगा, आप हमारे से कॉन्टैक्ट करके मंगा भी सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी हमारे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।